हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रोजी। आज मैं आपको दही बड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना बहुत आसान है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनी है। फ्रेंड्स, एक बार मेरे स्टाइल में ज़रूर ट्राई करें। बनाना बहुत आसान है। ये बन गया है, बनता है कैसे आपको दिखाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। चलते हैं, दही बड़ा की रेसिपी शेयर करते हैं। आज हम बना रहे हैं दही बड़े। दही बड़े के लिए मैंने यहाँ पे उड़द की दाल ले लिया है, जिसको मैंने ओवरनाइट भिगो लिया था। ये अच्छे से फूल गए हैं। अब इसको अच्छे से हम ग्राइंडिंग कर लेंगे। ग्राइंडर करके इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना लेते हैं। उड़द का दाल को मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब इसमें कोई पानी मैंने ऐड नहीं किया है, ऐसे ही सूखा ही पीसा है। अब इसको आधा घंटे के लिए रख देंगे। नमक अभी ऐड नहीं करना है। जब हम इसको फ्राई करेंगे दही भले के लिए, तभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब इसको आधा घंटे के रेस्ट दे देते हैं। आधा घंटा हो चुका है। अब हम यहाँ पे उड़द दाल को अच्छे से मिक्स करेंगे। टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर देंगे। अब इसमें हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसको अच्छे से, ऐसे जैसे हम केक वेक बनाते हैं मिक्स करते हैं, वैसे ही इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसको, मिक्स कर लेंगे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं, जैसे केक बनाते हैं अच्छे से इसको फेंटते हैं, वैसे हमने फेंट लिया है। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लेंगे। थोड़ा सा हाथ में तेल लगाकर इसको एक बार टेस्ट करके देखेंगे पानी में। ऐसे ही धीरे धीरे ये ऊपर आने लगेगा। अब हम इसको फ्राई करेंगे, फ्राई कर लेंगे बना बना कर। ये कैसे ही बाउल बनेगा और ऊपर धीरे धीरे उठने लगेगा। अब इसको हम, अब ये परफेक्ट है, फ्राई करेंगे इसको। ये पानी मैंने रेडी भी कर लिया है, इसमें मैंने नमक थोड़ा सा ऐड करके रखा है। जब फ्राई कर लेंगे दही वाले को, उसको बड़े को इसमें ऐड करेंगे। मैंने एक कढ़ाई लिया है जिसमें तेल गरम कर लिया है दही बड़े को फ्राई करने के लिए। अब मैं एक एक बड़े को इसमें ऐड करूंगी। तेल हमारा गरम है, अब मैं ऐड कर दूंगी। अब सभी को ऐसे ही बनाकर ऐड करेंगे। आप कोई भी स्टाइल से कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरह का दही वाले स्टाइल उड़ीसा स्टाइल रहता है। आपकी मर्जी, आप कैसे भी दे सकते हैं। अब सभी को ऐसे ही करके बना लेंगे। अब इसको हम फ्राई करेंगे। मैंने सभी दही भल्ले को ऐड कर लिया है। आप चाहें अपनी मर्जी से कोई भी शेप दे सकते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा कलर इसका चेंज करेंगे, पूरी व्हाइट नहीं रखेंगे, हल्का गोल्डन रखेंगे इसको। उसके बाद में इसको डिस आउट कर लेंगे पानी में, जिस पानी में मैंने पहले ही दिखा दिया है, बाउल में नमक डालकर ऐड करके रखा है, उसी में हम इसको निकालेंगे, डिस आउट कर लेंगे। ज्यादा देर इसको फ्राई नहीं करना है। एक बार मेरे स्टाइल में जरूर ट्राई करें, बहुत ही मजे की, बहुत ही टेस्टी बनती है। जरूर ट्राई करें मेरे स्टाइल में।
अब ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब ऐसे ही कलर रहने देंगे, अब डिश आउट करेंगे। बस मैं आपको एक डिश आउट करके दिखाती हूँ, बस इसको ऐसे ही हम डिश आउट कर लेंगे। इस तरह से डिश आउट कर लेंगे सारे को। अब सारे बड़े को मैंने ये पानी में नमक ऐड करके, बड़े को ऐसे ही हम पानी में ऐड करके रखे हैं। 15 मिनट तक रखेंगे, फिर पानी से डिश आउट कर लेंगे। फिर इसके बाद इसको दही में ऐड करेंगे। बहुत मजे की और बहुत टेस्टी बनेगी, एक बार जरूर ट्राई करेंगे। मेरे स्टाइल में जरूर ट्राई करना फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम एक कंटेनर ले लिए हैं, अब दही बड़े से पानी मैंने निकाल दिया है। अब इसको एक एक सजा लेंगे, ऐसे ही सजा लेते हैं। सभी को ऐसे ही सजा लेंगे। अब इसी के साथ हम ऐड करेंगे दही, जिसमें मैंने हल्का शुगर ऐड किया है, चीनी ऐड किया है, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लिए हैं दही। अब इसी के साथ हम ऐड करेंगे इमली का चटनी। ऐड कर लेंगे इमली का चटनी। फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी पता चलेगी कि दही बड़े कैसे बनते हैं, कितने मजेदार, कितने टेस्टी। मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। अब इसी के साथ हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली चटनी, ये भी इसके साथ ऐड कर लेंगे। ग्रीन चटनी अगर आपको पता नहीं है कैसे बनाते हैं, मेरे शॉर्ट वीडियो में मैंने डाला है ग्रीन चटनी, आप उसको देख सकते हैं। और इमली की चटनी जो है मैंने पैकेट वाली ही यूज की है। आपका अगर घर में बना हुआ हो तो आप यूज कर सकते हैं। अब इसी के साथ मैंने ये सारे चटनी को थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसी के साथ हम ऐड करेंगे इसमें भुने हुए जीरे के पाउडर, ऐड कर लेंगे इसमें हल्का हल्का।
अब इसी के साथ हम चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। अब चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे। इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद ये बन के तैयार है दही बड़े हमारे, बहुत मजे की, बहुत टेस्टी। एक बार जरूर ट्राई करें मेरे स्टाइल में। अब इसको हम सर्व कर लेंगे।